हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट सीखेंगे। टॉपिक है 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रैक्टिस सेट 41। इसके पहले के वीडियो में हमने सीखा है कितने क्वेश्चंस देखे, ओनली 4 क्वेश्चंस। एंड नाउ 5th क्वेश्चन जो टेबल फॉर्म में है अभी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टेबल फॉर्म में दिया है उसकी वैल्यूज यहाँ पे हम अरेंज करके लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू दी है, ओके कितनी है 4200 रुपीस, ओके। देन दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर 7 पीसीपीए। देन टाइम दिया है यानी टी कितना 3 इयर्स। ढूंढना क्या है इंटरेस्ट एंड अमाउंट, ये ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ढूंढेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला से P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो कैलकुलेशन करेंगे, P है 4200 वैल्यू फिलअप, R है 7 एंड T है 3 अपॉन 100। सो दो जीरोस चले गए, अभी इनमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 42 इंटू 73 आर 21 और जो भी इनका मल्टीप्लीकेशन होगा हमारे लिए वो इंटरेस्ट होगा आंसर, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई 1 2 जा 2 1 4 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो ये आएगा इंटरेस्ट। तो हमें इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अभी हमें ढूंढना है अमाउंट, ए ढूंढना है ना अमाउंट। अमाउंट यानी पी प्लस आई होता है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4200 रुपीज का और इंटरेस्ट अभी मिला है 882 का। दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ए का, कितना होगा। सो 82 8 एंड 2 10 कैरी 1 5082 अमाउंट मिल जाएगा। ये फर्स्ट सम यहां पे सॉल्व हो चुका है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पी वैल्यू मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 पीसीपीए, ठीक है। टाइम दिया है 4 इयर्स का यानी टी। इंटरेस्ट दिया है यहां पे 1200 रुपीस का और अमाउंट भी मिसिंग है, ठीक। तो सबसे पहले अगर इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 1200, उसी की जगह पे लिखना पड़ेगा। पी की जगह पे वैल्यू नहीं है तो पी वैसे के वैसे, आर की वैल्यू 6 एंड टी की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 100 यहां पे लेके आएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, जगह चेंज किए ना इज इक्वल टू की इस साइड लेके आए तो मल्टीप्लाई में आएंगे। पी इंटू 6 4 जा 24 होना चाहिए, यस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 24 इंटू में है, यहां पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। 24 का टेबल यूज करते हैं, 24 5 जा 120 और 1 2 3 3 जीरोस। सो पी इज इक्वल टू 5000 रुपीस हो जाएगा। अभी अभी ढूंढना है अमाउंट, बराबर। तो अमाउंट यानी क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल है इंटरेस्ट है तो हमें अमाउंट ढूंढने में आसानी होगी। पी प्लस आई, पी है 5000, इंटरेस्ट है गिवन 1200 और फिर इनका एडिशन जो होगा वो हमारे लिए आंसर होगा, कितना होगा 6200 का। ये हो गया सेकेंड सम सॉल्व। आप भी अच्छे से अपनी बुक में लिखे लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन आप ट्राई करो और फिर देखो आपका कैलकुलेशंस यहां से मैच करो, राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपको ये प्रैक्टिस आ सकती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम, थर्ड सम है टेबल में, वैल्यूज लिखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू दी है पहली, सो कितनी है 8000 रुपीस की, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5 पीसीपीए, ओके। देन टाइम मिसिंग है यहाँ पे तो टी ढूंढना पड़ेगा और इंटरेस्ट दिया है जो है 800, ठीक है। तो हमें ए भी तो ढूंढना है, कोई बात नहीं। पहले इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का ही पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 800 रुपीज का,
कितना है 8000 रुपीज का, आर की वैल्यू है 5, टी नहीं है और ये 100, 100 के दो जीरोस ऊपर नीचे चले गए, अभी बचे 80 × 5। ओके क्या करेंगे, 80 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं, कितने होंगे 400 बराबर। अभी 400 की जगह चेंज करेंगे, यहां पे लेके आएंगे, मतलब डिवाइड होने चाहिए, 400 से डिवाइड करने पे हमें आंसर मिलेगा 2। सो टी इज इक्वल टू 2, टी यानी टाइम होता है तो टाइम इयर्स में बता दिया। अभी हमें ए भी तो ढूंढना है, तो ए यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, पता है ना, यस। तो फिर ऐड करेंगे, पी कितना है 8000, इंटरेस्ट कितना है 800, तो ए कितना होना चाहिए 8800, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सम सॉल्व करके हो चुका है थर्ड सम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, कैलकुलेशन आप ठीक से करो तो आपको ये भी सम आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट सम नंबर 4, प्रिंसिपल यहाँ पे मिसिंग है वैल्यू, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5 PCPA, ओके टाइम भी मिसिंग ही है यहाँ पे, इंटरेस्ट दिया है कितना 6000 रुपीज का, एंड अमाउंट भी दिया है इस टाइम कितना है 18000 का। अच्छा प्रिंसिपल मिसिंग है बट अमाउंट और इंटरेस्ट प्रेजेंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, पहले प्रिंसिपल हम ढूंढ सकते हैं इनका डिफरेंस, क्योंकि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। अभी हमें पी ढूंढना है तो ए माइनस आई करना पड़ेगा तो पी मिलेगा, बराबर, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू ए माइनस आई, ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्टली, सो पी इज इक्वल टू ए माइनस आई। तो ए हमारे पास 18000 है, आई हमारे पास 6000 है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 12000, ये आया पी, ओके। अभी सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें टी भी तो ढूंढना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फॉर्मूला लिया, सिंपल इंटरेस्ट है 6000 रुपीज का, प्रिंसिपल अभी ढूंढा है 12000 का, आर है 5 और टी मिसिंग है अपॉन 100 हो जाएगा, 100 के दो जीरोस ऊपर 12000 के दो जीरोस से मैच करके निकाल दिया। अभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 5 60 और एक जीरो मतलब 120 × 5 600 आ जाएगा इंटू टी, 600 को हम यहाँ पे लेके आएंगे यानी वो डिवाइड होना चाहिए, तो आप अभी डिवाइड करो, दो जीरोस निकाल दिया, 6 10 हो जाएगा 60, यानी टी इज इक्वल टू 10 years, हमें आंसर मिल गया, ठीक है। यस फोर्थ सम भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आप भी इसी तरह से सॉल्व कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन ठीक से कीजिए तो आप भी सम कर सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट सम जो बचा है सम नंबर 5, वो हम करने जा रहे हैं। सम नंबर 5 स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2.5% PCPA, यानी हमारे लिए कितना होगा 2.5, ठीक है 2.5 यानी 2.5, टाइम दिया है 5 years का, ओके इंटरेस्ट दिया है 2400 रुपीज का, और ए मिसिंग है तो ए हमें ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि पी ढूंढ सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यस सिंपल इंटरेस्ट है 2400 का, पी मिसिंग है, आर 2.5, टी 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अभी क्या करेंगे, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 आ जाएगा, पी इंटू 2.5 अपॉन 20। अभी पहले पॉइंट निकालो तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो पॉइंट निकालने पे हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे हो जाएगा 200,
ऊपर मल्टीप्लाई किया 25, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया। ओके और आप डिवाइड भी कर सकते हो, 25 ट्वेंटी फाइव एट 200, करेक्ट ना? यस। सो अभी ये इस तरह से अरेंजमेंट है, 1/8 यानी 8 डिवाइड में है, इधर लिखे आप मतलब साइड चेंज करो, इनटू हो जाएगा ना? यस। इधर लिखेंगे P इज इक्वल टू इनका इनटू जो भी होगा वो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। सो 0 0 8 से मल्टीप्लाई करते, 8 4 32 कैरी 3, 8 2 16 एंड 3 19,200 वैल्यू मिला है। अभी A हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, बराबर। सो A इज इक्वल टू P प्लस I होता है, P कितना है 19,200 और इंटरेस्ट कितना है 2,400। अब ऐड करेंगे ना, यस 2 and 4 6 and 2 11 कैरी 1 21,600 आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 41 का फिफ्थ क्वेश्चन जो टेबल फॉर्म में दिया था, टेबल में 5 सम थे वो पूरे यहाँ पे हमने सॉल्व किए आज के वीडियो में। आई होप आपको सब सम अच्छे से समझ में आए हैं, उनके कैलकुलेशंस भी आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ओके, आप भी अपने बुक में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए सम सॉल्व करने की, तो आप भी सम अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।